साथियों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे चेक बाउंस के संबंध। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमें चेक दिया जाता है और जब हम उस चेक को अपनी बैंक में प्रस्तुत करते हैं और बैंक द्वारा हमें भुगतान करने से मना कर दिया जाता है, तो हमारे पास उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या उपचार है। मित्रों, आज के समय में बड़ी बड़ी धनराशि का भुगतान अधिकांश लोग चेक के माध्यम से करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो उसका एक एविडेंस उस व्यक्ति के पास कलेक्ट हो जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ चतुर चालाक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को धोखा देने के उद्देश्य से ऐसे चेक दे देते हैं जिनको कि बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक भुगतान करने से मना कर देती है। ऐसे व्यक्ति ऐसा चेक निर्गत कर देते हैं जिनमें कि पर्याप्त धनराशि नहीं होती, या फिर उस चेक पर अपने हस्ताक्षर गलत कर देते हैं, या फिर उस बैंक अकाउंट को पहले से ही बंद कर चेक जारी कर देते हैं, जिसके कारण जब हम उस चेक को अपनी बैंक में प्रस्तुत कर देते हैं तो बैंक हमें भुगतान करने से मना कर देती है। भुगतान करने से जब मना कर देती है तो उसके साथ में हमें एक रिटर्न मेमो देती है। रिटर्न मेमो में कारण उल्लिखित होता है कि किस कारण से बैंक द्वारा हमें भुगतान नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आए तो हमें चेक देने वाले व्यक्ति को उस रिटर्न मेमो के प्राप्त होने के एक महीने के अंदर एक नोटिस जारी करना चाहिए। नोटिस स्वयं दे सकते हैं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दे सकते हैं। उस नोटिस में कारण उल्लिखित करना चाहिए कि आपने हमें इस प्रकार से एक चेक दिया था जो हमने अपनी बैंक में प्रस्तुत किया, बैंक ने इस कारण से हमें भुगतान करने से मना कर दिया, आप 15 दिन के अंदर हमें उक्त धनराशि का भुगतान कर दें, अन्यथा हम आपके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने को मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप उस चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस दे सकते हैं। नोटिस देने के बाद यदि वह व्यक्ति नोटिस में दिए गए समय 15 दिन के अंदर आपकी धनराशि का भुगतान कर देता है तो कोई परेशानी नहीं है। यदि वह व्यक्ति आपकी धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो नोटिस में दिए गए समय 15 दिन को निकालकर एक महीने के अंदर आप उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 138 NI एक्ट के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद न्यायालय उस पूरे केस को जानने के बाद, साक्षियों की परीक्षा करने के बाद, यदि यह मानता है कि मामला सही पाया गया है, इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा चेक प्रस्तुत किया है जिसको बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और चेक की धनराशि के 2 गुने तक का जुर्माना और दोनों से दंडित कर सकता है। तो मित्रों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।